मेरी कौम का रहबर बिल्कुल सीएम इब्राहिम साहब नहीं है। सीएम इब्राहिम साहब है वो, उनको मैं लीडर ही नहीं मानता। जो 16 तारीख की मीटिंग सीएम इब्राहिम साहब ने बुलाया है, तो ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ सीएम इब्राहिम साहब और उनके जो बच्चे हैं और जो उनके साथ आस पड़ोस में जो 10-15 लोग हैं वही मीटिंग करेंगे। सीएम इब्राहिम साहब को छोड़ो, उनको रिटायरमेंट करके उनको घर में बैठने दो। आज कुमारस्वामी बीजेपी के साथ मैत्री करने का रीजन ही यही है, ये सबसे बड़ा रीजन सीएम इब्राहिम। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. जो इस वक्त कुमार स्वामी और देवेगौड़ा साहब के जो बयानात आए हैं, इससे अकलियती तबका और खास तौर से जनता दल के माइनॉरिटी लीडर्स जो है काफी बेजार नजर आ रहे हैं, तो आपका क्या जो है इसमें रिएक्शन? माइनॉरिटी सदर जेडीएस के अंदर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह उस सदरत मेरी सदारत के अंदर पूरे बेंगलुरु सिटी के मैक्सिमम माइनॉरिटी तबके को मैंने जेडीएस की ओर, जेडीएस की रुख मैंने किया था। तो आपका सवाल देवेगौड़ा साहब और कुमार स्वामी साहब के जो ट्विस्टेड क्वेश्चन जो आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? सीधा सीधा रीज़न है कि उन्होंने हाथ मिलाया है बीजेपी से, मैत्री करेंगे बीजेपी के साथ, तो कहीं ना कहीं उनको रूट अपना चेंज करना ही है कि नॉट ओनली माइनॉरिटी, ऑलमोस्ट ऑल दी कम्युनिटीज, सारी कम्युनिटी को लेके चलना है। तो मेरा मानना ये है कि देवेगौड़ा साहब सेक्युलर थे, सेक्युलर हैं और आने वाले दिनों में भी सेक्युलर रहेंगे। तो आज जो हमारे कुमार स्वामी साहब जो कि गलत स्टेटमेंट्स मुस्लिम्स के खिलाफ गलत स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कहीं भी उन्होंने गलत स्टेटमेंट मुस्लिम्स के खिलाफ दिया है। उन्होंने डिफेंड किया है कि देवेगौड़ा साहब के बातों को डिफेंड किया। उन्होंने क्या डिफेंड किया है? देवेगौड़ा साहब ने जब माइनॉरिटी वी आर देयर टू प्रोटेक्ट यू करके उन्होंने जहां पे कहा था, तो उनको डिफेंड करते हुए कुमार स्वामी साहब ने क्या कहा है कि नॉट ओनली माइनॉरिटी, वी स्टैंड फॉर ऑल कम्युनिटीज़। उन्होंने टारगेट नहीं किया माइनॉरिटी को। फिर भी मैं ये कहना पसंद करूँगा कि मैं खुद भी डिसाइड नहीं किया हूँ कि इस पार्टी में रहना है कि नहीं, यहाँ से निकल के दूसरी पार्टी जाना है आने वाले दिनों में। सलीम भाई, सवाल ये है, उन्होंने क्या बयान दिया ये एक अपनी जगह जो है एक अलग मसला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनका पीपल कोलाबोरेशन है, इस कोलाबोरेशन के साथ जो है अखिलेती तबका काफ़ी नाराज़ है, तो क्या आप भी जो है एक माइनॉरिटी लीडर हैं, माइनॉरिटी प्रेसिडेंट रहे, तो क्या आपकी भी नाराज़गी है और 16 तारीख को होने वाली इस सभा में आप भी शामिल रहेंगे, क्या आपका जो है किरदार रहेगा? सर, जो हमारे सीएम इब्राहिम साहब की अगर बात करें, तो उन्होंने जो 16 तारीख को जो मीटिंग बुलाई है, तो मैं पसंद करूंगा कि हमारे जितने भी कायदीन मुस्लिम लीडर्स हैं, मुस्लिम जेडीएस के लीडर, तबके के लीडर हैं, या तो इनके पीछे जो भी लीडर्स हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो सीएम इब्राहिम साहब हैं वो, उनको मैं लीडर ही नहीं मानता। क्यों? जिस दिन से उन्होंने जेडीएस के अंदर ख़त्म रखा है, उन्होंने पहले काम क्या किया कि सेकेंड लाइन लीडरशिप, थर्ड लाइन लीडरशिप को उन्होंने ख़त्म किया, वन मैन आर्मी, वन मैन डिसीजन लेने वाले बन गए। तो उसी तरीके से उन्होंने और दूसरी चीज़ क्या की कि जब उन्होंने जेडीएस में थे, तो उन्होंने सीनियर जो भी जेडीएस के कायदीन रहे, जफरुल्ला खान साहब ले लो, अपने शफीउल्ला साहब जो कि बीएम फारूक साहब, जो भी जिन्होंने भी माइनॉरिटी को अपलिफ्ट किया है जेडीएस के अंदर, उनको कहीं का भी उन्होंने कहीं भी काउंट नहीं किया। तो उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की। और थर्ड गलती जो की है उन्होंने कि जब इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं, तो इनका काम क्या बनता है कि मुस्लिम वोट बैंक को कवर करना था इनको। अगर इन्होंने सही से अपना टीम वर्क करके जो भी जितने भी कायदीन रहे हैं हमारे जेडीएस के अंदर, उनको कॉन्फिडेंस में लेके, जितने भी ग्राउंड लेवल लीडर्स कार्यकर्ता, उनको अगर कॉन्फिडेंस में लेके, ये अगर उलमास के पास रेगुलरली विजिट करके उनके दुखड़े सुनते, या तो कुछ उनके क्लेम्स या तो उनके कमिटमेंट्स अगर ये लिए होते कुमार स्वामी साहब को, अगर ये 3-4-5 दफ़ा 6 दफ़ा जैसे हमारे जमीर साहब ने दिन रात ये कर दी, उनकी पार्टी के लीडरान को लेके वहाँ पे नाश्ते करवाते रहे, दोपहर में खाना खाते रहे, तो उनको सक्सेस मिली। तो उसी तरीके से यहाँ पे सक्सेस फेल होने का रीजन सीएम इब्राहिम साहब है। वो ठीक है, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। 16 तारीख की जो मीटिंग इन्होंने बुलाई है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके जितने भी फॉलोअर्स रहे उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ,
और जितने भी हमारे नाराज लीडर्स जो भी जेडीएस के अंदर मुस्लिम लीडर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने खुद से डिसीजन लो, या तो अपने कोई दूसरे कायदीन जो कि एक सेकेंड लाइन लीडरशिप या थर्ड लाइन लीडरशिप बनाने का मकसद रखता हो उनसे राफ्ता करो, ना फिर इनसे इनके पीछे जाओ। क्यों? इनके पीछे जो भी 16 तारीख को जाएगा ये अपना तवा सेकने के लिए आवाम को, कौम को, मेरी कौम, मेरी कौम। कौम का रहबर बिल्कुल सिम इब्राहिम साहब नहीं है। ये पार्टी में रहे ना रहे या कोई भी पार्टी में जाए, मैं इसे केयरलेस के आई एम नॉट बॉदर अबाउट दिस। कहीं भी जाए, बट मैं ये कहूँगा कि इनके पीछे कोई भी मुस्लिम यूथ सेकेंड लाइन थर्ड लाइन लीडरशिप अगर बढ़ना है, बढ़ने की ख्वाहिश रखता हो तो वो अपना टाइम ज़ाया ना करें। सारे जेडीएस के जितने भी सिटीज़ के लीडर्स थे, जितने भी स्टेट के माइनॉरिटी लीडर्स थे, सबको इग्नोर करके इन्होंने सबको एक कॉर्नर पर बिठा दिया था जब इन्होंने राज्याध्यक्ष बना था। तो इसी का इफेक्ट है आज कुमार स्वामी जो कि बीजेपी के साथ मैत्री करने का रीज़न ही यही है। ये सबसे बड़ा रीज़न सेम इब्राहिम है। तो क्या जो है आपके अगले इकदाम क्या होंगे, क्या स्टेप्स होंगे आपके? देखो, मैं इस पार्टी के अंदर जफरुल्ला खान साहब की बदौलत ही रहा हूँ अभी तलक, और 5 साल जो भी सदारत मेरी रही है देवेगौड़ा साहब की निगरानी में, जो भी मैंने काम किया है, जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं, जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी मुस्लिम माइनॉरिटी लीडर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए थे, सिर्फ और सिर्फ देवेगौड़ा साहब और हमारे जफरुल्ला खान साहब की चेहरा और उनकी बातचीत और उनके जो इरादे और मकसद है ना, सिर्फ इसी वजह से हम लोग जुड़े हुए थे। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला एक मीटिंग बुलाई जाएगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जफरुल्ला खान साहब को कि उनके लीडरशिप में एक मीटिंग हो कि हमें क्या स्टेप लेना है। क्यों? उनको कहीं से भी अपना मुफाद, अपना मकसद, कहीं से भी वो अपना मकसद नहीं देखते। तो उनका मकसद यही रहता है कि सेकेंड लाइन लीडरशिप, थर्ड लाइन लीडरशिप कैसी बढ़ाया जाए। तो सीएम इब्राहिम साहब को छोड़ो, उनको रिटायरमेंट करके उनको घर में बैठने दो, ये कोई भी पार्टी में जान दो, जैसे कांग्रेस, या मैं तो कहूँगा कांग्रेस वालों को कि इनको नहीं लो, बिकॉज कांग्रेस से वहाँ से वापस यहाँ पे आए उसी तरीके से अभी फिर वहाँ पे जाके गंद मचाएंगे, तो इनको ना लो तो अच्छा है। कोई भी दूसरी पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी हो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आने वाले दिनों में आपकी मर्जी, लो या ना लो, बट इनके पीछे लीडरशिप कायम होना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन की बदौलत है। और इनके सिर्फ भाषण ही अच्छे रहते हैं, इनको फॉलोअर्स फॉलो नहीं करते। अगर वैसा होता तो आज जेडीएस की ये नौबत नहीं होती। क्योंकि आप भी जो है बैंगलोर सिटी प्रेसिडेंट रहे और माइनॉरिटीज़ के ख़ास तौर से रहे, तो इस वक्त जो है माइनॉरिटीज़ के दरमियान एक कन्फ्यूजन भी है। तो क्या जो आपके जो जेडीएस लीडर्स थे जो आपके कॉन्टैक्ट में हैं, जो आपके टच में हैं, 16 तारीख की मीटिंग के रिलेटेड क्या जो है आपके डिस्कशन? जो 16 तारीख की मीटिंग सीएम इब्राहिम साहब ने बुलाया है, तो ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ सीएम इब्राहिम साहब और उनके जो बच्चे हैं और जो उनके साथ आस पड़ोस में जो 10-15 लोग हैं वही मीटिंग करेंगे। हमारे जेडीएस के जो मेरे अपने जो साथ में टिके हुए थे, जफरुल्ला खान साहब के साथ में जो टिके हुए थे, जितने मुस्लिम लीडर्स जो भरोसेमंद, जो ख्वाहिशमंद रखते हैं कि सेकेंड लाइन थर्ड लाइन हम लोग बढ़ेंगे, 110% ये तो बिल्कुल भी इनकी मीटिंग में अटेंड नहीं करेंगे। डिसाइड करेंगे कि इस पार्टी में रहना है कि नहीं, कोई दूसरी पार्टी में जाना है, वो हम लोग डिसाइड करेंगे। बट सीएम इब्राहिम साहब एक लीडर है ही नहीं, तो इनके पीछे जाना मुनासिब ही नहीं है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा।